हिंदुस्तान के एक शब्द से भी टकराएगा तो बेड़ियों में चकरा जाएगा। और ये देख, ये रहा वो हिंदुस्तान जिसे तू चलाना चाह रहा था। हम इसे कागज में भी चलते हुए नहीं देख सकते, ना हिंदुस्तान को और ना पाकिस्तान को। चलाना तो है हमें बस आतंकिस्तान को। रजनी सर का मैं हूं फैन, इंडिया का कॉमन मैन। तेरा क्या हो गया रे मसूद, ये क्या हो गया रे तेरा? अरे अभिनंदन, आई मीन पाकिस्तान, टू कैसा सबसे खराब इंसान, हाफिज सईद हो या अजहर मसूद, दोनों को ही मैं बना दूंगा अपना मुरीद। घसीट कर हिंदुस्तान ले जाऊंगा और उनकी खूब खातिर करवाऊंगा। माइंड इट। ओ नो, लगता है पाकिस्तानी जेट आ गए, इनसे बचना पड़ेगा। ओ बचना पड़ेगा। रजनी, रजनी कहाँ सर की टीवी लेजर गन कब काम आएगी? अरे किसकी ताड़ने की आवाज है? लगता है ये एरिया भी पाकिस्तानी कुत्तों से आबाद है। पाकिस्तानी तो नहीं है कुत्ते, लेकिन वो आतंकवादी तो हैं ही कुत्ते। लगता है वो ही आ रहे हैं। लब तो संभल कर रखना होगा कदम, कहीं मैं अभी से उन्हें ना दे दूं जख्म। तू मुझसे टकराएगा पर याद रख बड़ी मार खाएगा। चल जा, हमने तुझे माफ किया पाकिस्तानी शेर के साथ, इस हिंदुस्तानी शेर ने इंसाफ किया। हमारी दुश्मनी तो पाकिस्तानी आतंकवादियों से है, पाकिस्तानी आवाम तो हमारे साथ ही है। कभी चलना तुझे मैं गैर घुमाऊंगा, हिंदुस्तानी शेरों में और पाकिस्तानी शेरों में अंतर बताऊंगा। अरे पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया, हमने इस अभिनंदन को दोबारा से जकड़ लिया। अल्लाह मेहरबान, तो ये गधा पहलवान। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये मसूद अजहर पहलवान। अल्लाह मेहरबान, तो ये मसूद अजहर पहलवान। ये तुम्हारी गलतफहमी है, हम तो खुद दूसरी बार चल के तुम्हारे पास आए हैं और पाकिस्तानी आवाम के साथ शांति का संदेश लाए हैं। ये अभिनंदन खुद चल कर आया है तुम्हारे पास, तुमने उसे नहीं पकड़ा है। तुम जैसों को हिंदुस्तान घसीट के ले जाने और पाकिस्तान के आवाम के साथ शांति करने आया है ये अभिनंदन। हमें शांति नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए जिहाद जिहाद जिहाद, हर उस चीज से जिहाद जो मेरी मौज मस्ती में रोड़ा पैदा करे। अबे हट, जिहाद के नाम पर गलत काम करते हो तुम जैसे लोग ही, तो इस्लाम को बदनाम करते हो। अरे ये सब छोड़, ये बता कि तूने हमारे F-16 जैसे जहाजों को कैसे उड़ा दिया? जानना चाहता है कैसे उड़ाया मैंने F-16? तो देख, ऐसे उड़ाया था मैंने F-16। तेरी तो फूंक में भी बड़ी ताकत है। रुक, अभी हम तुझे अपने आतंक की ताकत का अंदाजा करवाते हैं। रुक, अभी के अभी तेरे दो जहाज उड़ा के बताते हैं। रुक तो अभी।
ये देख दो दो जहाज, तेरे इंडिया के असली जहाज तो हम नहीं उड़ा सकते। तो क्या हुआ, ये कागज के जहाज बनाए हैं और इस पे हिंदुस्तान लिख दिया है, हिंदुस्तान। अब देख इसको हम कैसे क्रैश करते हैं। ये लिया जहाज, ये ली उड़ान और ये मारा। वो देख तेरा जहाज क्रैश हो गया रे। अब बोल मिया क्या करेगा तू। अबे मसूद की दाल, वो क्रैश नहीं हुआ है बल्कि लैंड हुआ है। जब तुम लोग कागज के हिंदुस्तान के जहाज को क्रैश ही नहीं कर सकते तो असली का जहाज कहाँ से क्रैश करोगे। हाथ खोल मेरे को, मैं बताता हूँ तेरे को। अच्छा तो ये बात है, ले अब की बार तेरे इस भारत के जहाज को मैं जला ही देता हूँ। ले अब आएगा मजा, कभी इसकी औलाद अब तू क्या करेगा, देखता हूँ मैं। ले देख अब की बार इस जहाज को मैं जला ही दूंगा। अब ये चलने वाला है, अब ये चलने वाला है, अब ये चलने वाला है। नहीं, अरे ये कैसे हो गया रे, मैं रस्सी में कैसे आ गया रे, क्या जादू कर दिया रे उसने। अरे अभिनंदन क्या कर दिया रे, मेरे को बांध दिया। अरे छोड़ रे, अरे बचाओ रे। अरे नहीं रे, अरे नहीं रे अभिनंदन, अरे वल्लाह के नाम पे छोड़ दे रे। अरे तो पूरा मुल्क ले ले, पूरा पाकिस्तान ले ले, अफगानिस्तान ले ले, मैं तो कहता हूँ पूरी कायनात ले ले, मेरे को छोड़ दे रे। अरे अरे छोड़ दे रे, अरे नहीं, अरे 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 कहाँ गया रे, कहाँ गया अभिनंदन, मैं सो रहा हूँ। अरे हे अभिनंदन तो सपने में भी डराता है रे, ये गीला कैसे हो गया। अरे मैंने पेशाब कर दिया। अरे अरे अभिनंदन के डर से पेशाब निकल गया, वो सच में आ जाएगा तो क्या होगा रे। अरे बोल के गया है वो फ्रेंड्स, तो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा वो सा भी अच्छा लगा दोबारा हो आएगा, प्लीज लाइक इट वो एंड सब्सक्राइब दोबारा माय चैनल, आएगा इससे लेने मेरा मेरे हौसला को। बढ़ेगा। अल्लाह और हाँ, नोटिफिकेशन वाली बचाओ। बेल को प्रेस करना ना भूले कि सही टाइम पे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।